नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के सितारगंज पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने सितारगंज में एक रोड शो किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता और जनता भी शामिल हुई। रोड शो के दौरान किसानों ने सीएम धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन चंदूनी के नेतृत्व में, आपको बता दें कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह मोहार व बरेली यूथ ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हरपाल सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। सरकार किसानों को खत्म करने में तुली हुई है। बहुत लंबे समय से युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में काम करता रहा हूँ और उधम सिंह नगर क्योंकि ये मेरी कर्मस्थली रही है, इसलिए यहाँ का चाहे रूपुर हो, चाहे किंचा हो, या सितारगंज हो, या खटीमा हो, नानकवता हो, या जसपुर, काशीपुर, ददरपुर, बाजपुर, सब ये मेरा घर है और मेरा परिवार है। इस तरह परिवार की तरह सब लोगों का प्रेम है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर चुनावी समर में कूद चुकी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गारंटी फॉर्म लोगों से भरवा रही है। भारतीय जीवन विकास कह सकते हैं कि पूर्व प्रबंधक महेंद्र चौधरी ने विधानसभा सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे। विधानसभा सचिव बनने पर महेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी 2022 में विकासनगर विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर अपने दमखम पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पे जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे काम करती है और दिल्ली के अंदर भी हमने उन्हीं पे काम किया। वहाँ भी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हमारे सामने थी जो कि वहाँ इनको अच्छी तरह से धूल चटाई है, क्योंकि सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, कुछ करने से भी होता है। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने करके दिखाया है और उसी दम पे हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम उस पे बहुत अच्छे ढंग से काम कर। नवनियुक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ का सितारगंज में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तिलक राज के नवनियुक्त कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। तिलक राज ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे, साथ ही प्रदेश से भाजपा सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। तिलक राज बेहड़ ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अंत का समय इस वक्त आ चुका है। जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बीजेपी ने सिर्फ प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का ही काम किया है। जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले हैं, इससे यह सिद्ध हो गया है कि बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री बदल सकती है, विकास नहीं कर सकती। देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना कार्यकर्ता आज एकजुट हुआ है। 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कर दी है, किसानों को आज जो हालत कर रखी है, हाले कानून लाकर आज किसान परेशान है। आज आपने खेती है पर किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है और आज महंगाई कमर तोड़ रही है, चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो खाने की दालें कुछ दालें हो, चाहे वो तेल हो खाने का, 200 रुपए बिक रहा है 40। विधानसभा ज्वालापुर में बहादुराबाद के एक निजी बैंक्वेट हॉल में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह और संचालन चंदन सिंह चौहान ने किया। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील चौहान, विधायक सुरेश राठौर और मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के मंत्र दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने महज कुछ ही दिनों में इतना काम कर दिया है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। माना सोच है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति होती है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इस कार्य समिति में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गण पुलिसते जी, जो हमारे बहुत पुराने मार्गदर्शक रहे, वो आज पहुँचे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में हम 60 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और जनपद हरिद्वार की जो हमारी सीटें थी लगभग हम 11।
वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए भादराबाद संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंतजार, जिस तरीके से भादराबाद में आज केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जीत का मंत्र दिया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज हरिद्वार में जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी जो मंडल कार्य समिति है सभी जगह जगह बैठक की गई और जो अलागमान मंत्री हैं चाहे वो धन सिंह रावत जी हो या केंद्रीय मंत्री हो सभी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए थे। तो भादराबाद में उसी उपलक्ष्य में एक मंडल कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के लिए उसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो जो युवा कार्यकारिणी के जो मंडल कार्यकारिणी के जो लोग हैं उन सबको शपथ दिलाई गई वहाँ और जो चुनाव है आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो रणनीति है वो उनके साथ साझा की गई है इस कार्यकारिणी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भादराबाद से इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। रुद्रप्रयाग में राज्य ग्राम में विकास और पलायन आयोग के अध्यक्ष सदस्य रंजना रावत ने पलायन को रोकने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, जो भी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है उन सभी योजनाओं का धरातल पर 100% कार्य किया जाए, इसके लिए संबंधित विभाग पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि ग्रामीण जनता तक सरकार की योजनाओं की पूरी और स्पष्ट जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जो प्रवासी अपने घरों को लौटे हैं और रोजगार करना चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक संख्या में स्वरोजगार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। तो आज हमने रुद्रप्रयाग जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ पलायन आयोग की तरफ से एक बैठक आहूत की थी। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि हम जो सरकार की योजनाएँ हैं और जो पलायन को रोकने के लिए जो स्वरोजगार की स्कीमें चलाई जा रही हैं उन स्वरोजगार की स्कीमों पर विभागीय स्तर से क्या क्या काम हो रहे हैं और पलायन आयोग द्वारा कुछ सिफारिशें भी दी गई थी कि कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि हर विभाग को कि वो उन पर कुछ कार्य करे। तो इस पर ये एक समीक्षा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से शहर में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। लोगों को इस वक्त घरों में रहना पड़ रहा है और सड़कों पर चलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। गंदगी के चलते बीमारियां फैलने का भी लोगों को डर सता रहा है, जिसको लेकर तहसीलदार कर्णप्रयाग ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की यह हड़ताल प्रदेश स्तरीय है। सफाई कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे कूड़े का निस्तारण किया जा सके। ये जो पूरे उत्तराखंड में इनकी सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग है और पूरे प्रदेश भर में इनका आंदोलन चल रहा है, बहिष्कार चल रहा है, फिर भी हम जो अपने तहसील अंतर्गत है कर्णप्रयाग में इन सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि किसी तरह से कूड़ा हटाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था भी। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंबोली संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, जिस तरीके से इस वक्त सफाई कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल देखने को मिल रही है, ऐसे में शहरों की क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको बताना देना चाह रहा हूँ कि जो पिछले दिनों से काफी दिनों से जो सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल लगातार प्रदेश व्यापी हड़ताल है उसमें जो सरकार की जो अड़ियल रवैया है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं और इसलिए जो नगरों और कस्बों और शहरों और गली कुचों में जो गंदगी के जो अंबार पटे पड़े हैं और वो आजकल मानसून सत्र के होने के चलते जगह जगह जो सड़ांध जो गंदगी कबाड़ में आ रही है उससे लोग बहुत परेशान हैं। आज जबकि लोगों ने जो स्थानीय व्यापारी या निवासी लोग हैं उन्होंने अब स्वयं जो कूड़ा निस्तारण का जो बीड़ा उठाया था कि हम सफाई करेंगे लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने उन लोगों को भी आज जो है कि सफाई नहीं करने दी और उनका ये कहना था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम सफाई ना तो करेंगे और ना करने देंगे। इसी तरह कल की जो घटना है, कल में जो नंदप्रयाग की जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है डॉक्टर वैष्णवी, उन्होंने भी स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगा करके कूड़ा एकत्र किया था तो वहाँ पे भी थोड़ा सफाई कर्मचारियों के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी कि भैया अब जब हम जो आंदोलन करत हैं और सरकार हमारी अनदेखी कर रही है तो इन चीजों को लेकर के जो विकट परिस्थितियां जो मानसून सत्र और गर्मी की जो मौसम है
इसमें आ रही है कि जगह जगह जो गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है इन लोगों की अनदेखी भी कर रही है कि जो सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, उन पे सरकार का जो ऑडियल रुख है वो भी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो लोगों को भी ये सफाई नहीं दे रही है, तो लिहाजा ये दोनों तरफ की बातें हैं कि जनता को भी और सफाई कर्मचारियों का साथ देना और सफाई कर्मचारियों को भी जनता का साथ देना है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है बनती जा रही है कि जो गर्मी का मौसम है और बरसात का मौसम है, तो जगह जगह जो कूड़े के ढेर है उनसे जो आम जो सड़क चौराहे गली कूचे जो आम रास्ते हैं नगर कस्बों और बाजारों में, तो बहुत ही हम कहेंगे इसे कहेंगे कि बहुत ही जो दुर्गंध जो आ रही है, तो ये बहुत बिकट परिस्थितियां हैं, तो सरकार को भी इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इस वक्त सफाई कर्मचारी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद इस वक्त चमोली में सफाई के हालात बेहद दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। कोरोना के चलते रद्द की गई कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीएम और एसएसपी ने बैठक कर पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल को तैनात किया गया। एसएसपी ने बताया है कि बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हड़की पौड़ी पर 8 कंपनी पीएसी की लगाई गई है। उसके अलावा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मिलाकर करीब 900 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान बाहर से आने वाले सभी कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो कांवड़िए अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटीन कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र में 4 सुपर जोन, 17 जोन और 17 सेक्टर में उसे बांटा गया है। और कुछ लोग इसका वायलेशन जो करेंगे उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखने का भी निर्णय लिया गया है। उसका भी 200 बेड का फैसिलिटी जो है तैयार है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे एंटायर एरिया है उस पर 41 सेक्टर्स में जो है बांटा गया है, पूरा जो है निरंतर ड्यूटी में लगाएंगे। 18 जोन्स है, उसमें जोनल ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट्स भी हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, तो दोनों समन्वय करा करके इसको एंटायर व्यवस्था को ढंग से संभालने के लिए कार्य योजना बनाया है। अभी ब्रीफिंग भी कर दी है। हमारा इसमें जो है कांवड़ मेला को लेकर हमारा शासन द्वारा जो है कांवड़ मेला प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। अभी इसे जो है हम सख्ती से लागू करेंगे। अभी जो है हमने सीमावर्ती राज्य एवं जनपदों से अलग अलग से मीटिंग करके सबका सहमत भी प्राप्त कर ली। यूपी में भी कांवड़ मेला का स्थगित होने के कारण जो है वो भी पूरा कोऑपरेशन के लिए हमें आश्वासन दिया है। अभी जो है बॉर्डर में 24 घंटे जो है हम ड्यूटी लगाएंगे और हरकी पौड़ी में भी हमने लगातार ड्यूटी लगाई, ताकि हरकी पौड़ी का एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और बॉर्डर में जो भी चोर रास्ता है, जो भी चीज़ है, उस चीज़ का जो है हम जो है अलग से आइडेंटिफाई करके उसमें भी जो है। इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंतजार, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है, ऐसे में हरिद्वार में आज डीएम और एसएसपी ने बैठक बुलाई है, ऐसे में बैठक में क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, जैसे कि हरिद्वार में कांवड़ का जो त्यौहार है, जो सावन में जो कांवड़ का त्यौहार मनाया जाना था, जो कांवड़ यात्रा जो चलाई जानी थी, तो शासन के द्वारा कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा दी गई है। और जो हरिद्वार में एंट्री करने वाले, हरिद्वार में प्रदेश के जितने भी बॉर्डर हैं सभी को सील किया हुआ है, और कोई भी क्षेत्र से कोई भी आदमी बाहर से अन्य राज्यों से यदि हरिद्वार में जनवरी से पहुंचता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो उसी को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार ने संबंधित अधिकारियों जो मीटिंग एक संगोष्ठी और बैठक की है, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और ब्रीफिंग की गई है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा करके और जो गंगा घाट है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और किसी को भी कांवड़ यात्रा के दौरान बॉर्डर से हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम और एसएसपी की बैठक आयोजित की गई है, जहां पर कांवड़ यात्रा रोकने के बाद जरूरी दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को जारी किए गए हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में किराए पर रहने वाली एक महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि महिला की शिनाख्त राजकुमारी के रूप में हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। महिला किराए के मकान में रहती थी, वहीं पति उससे अलग मकान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना स्थल पर जाने पर पुलिस को पता चला कि पति पत्नी में पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने महिला पर धारदार हथियार से वार किया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा है और अगला इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। वहीं आज से हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर को सील कर दिए जाने के आदेश पुलिस विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। एसएसपी का कहना है कि फोर्स लगातार बॉर्डर पर तैनात है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अगर कोई वाहन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे वापस भी लौटाया जा रहा है। साथ ही देहात क्षेत्रों से हरिद्वार जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। एसएसपी ने कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग होगी। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों से पहले जानकारी ली जाए कि वो किस लिए वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जाएगी। फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से मिला है, अभी उसका रवाना हो रहा है। आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे, ताकि जो है कल से जैसा कांवड़ मेला शुरू होगा हमारा बॉर्डर और मजबूत। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने निरीक्षण ट्रेन से लालकुआ पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें रेले रूम, टीटीई विश्राम कक्ष, टीटी कार्यालय, कुली विश्राम कक्ष, कैंटीन, स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय सहित यात्रियों के वेटिंग रूम का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीआरएम आशुतोष पंत ने बताया कि कोरोना काल में रेलवे स्टेशन में बंद पड़े कक्षों में कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो किसी भी मेरा ये स्टेशन है, आप यहाँ पर उसको आइसोलेशन में मत डील करिए, इसको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आप उसे सर उससे करिए यहाँ पर पूरा। और मैं आया भी इसीलिए हूँ, इतना टाइम से जब बंद रहेगी कोई चीज़, आप पूरे 3-4 महीने से सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, अब जब खुलेगी तो धीरे धीरे जब वो सब वापस आ जाएगा। लालकुआ अच्छा स्टेशन हुआ करता था, वापस उससे बेहतर बता देंगे। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट के किंग करेग स्थित पार्किंग का निर्माण कछुआ गति की से चल रहा है। मसूरी में बन रही 260 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग पिछले 6 साल से निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक पार्किंग का काम पूरा नहीं किया जा सका है। पार्किंग की लागत करीब 32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि साल 2015 में पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पार्किंग का शिलान्यास किया था, जिसे 3 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पार्किंग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। 2014 में माननीय विधायक गणेश जोशी के अथक प्रयासों से, किस तरह से आपने देखा होगा, उन्होंने सरकार का घेराव करने के बाद यहाँ पर जो पार्किंग की स्वीकृति मिली थी, और तब से वो निरंतर प्रयासरत है कि यहाँ पर एक पार्किंग बननी चाहिए, क्योंकि पार्किंग ही मसूरी की सबसे बड़ी समस्या है। और जो पर्यटक आते हैं वो जब पार्किंग ना होने की वजह से दर दर भटकते रहते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं, तो माननीय मंत्री जी का प्रयास है कि बहुत जल्दी ये पार्किंग बनकर तैयार हो जाए। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा है, और जिस तरीके से इन्होंने जो कार्य 3 साल में होना था उसको अब डबल कर दिया, और उससे जो उसकी लागत है, क्योंकि जितना भी टाइम उसका बढ़ेगा उसकी लागत बढ़ेगी, उससे उसकी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैंने अभी जो हमारे मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के सतपाल महाराज जी, मैंने उनको एक पत्र लिखा है कि इस पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जल्द कराया जाए। पर्यटक मसूरी में आते हैं, परेशान होते हैं, बहुत अत्यंत आवश्यकता पार्किंग की मसूरी में है। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को झमाझम हुई बारिश ने राहत दिलाई है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया। बकरियाणा, डौर, कोडारना, कसमौली के अलावा कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने 25 और 26 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी होने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और आपदा राहत टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्यवाही करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में लगातार सीएम बदल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, पानी, घर और बिजली जैसी सुविधाएं देने का वादा करने के वाली पार्टी सरकार बनाने के बाद जनता को भूल जाती है, जिसका उदाहरण श्यामपुर दिल्ली फार्म क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ लोगों को चलने के लिए सड़कें नसीब नहीं हो रही हैं और कच्ची सड़क पर चलने को इस वक्त लोग मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शासन प्रशासन से सड़क के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समाज सेवी डॉक्टर अमन गुप्ता ने अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस से गुहार लगाई है, साथ ही इस मामले की शिकायत करते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर अमन गुप्ता ने बताया कि उनका किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन वृक्षारोपण और कई सामाजिक कार्यों को लेकर कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से उन पर दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों 5 से 6 लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत झबरेड़ा पुलिस थाने में की गई। पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देवेंद्र पुत्र जयपाल अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर पहुंचा और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की और यहां पर पूरा ड्रामा करके वो लोग गए। इस वजह से आज मैंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपके माध्यम से मैं जो है शासन प्रशासन को और जो है सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे जो है सुरक्षा और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की। ऐसा कोई मत लेना देना नहीं है, मैं क्यों मांगूंगा, मेरे पास कोई उससे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। आपने मुझे अभी पता चला, मैं अभी गया था ऊपर, तो मुझे अभी पिताजी ने बताया कि 1.5 लाख। रुद्रप्रयाग में सफाई कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं, जिसको लेकर जनता और व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापार संघ से जुड़े लोगों ने सफाई का जिम्मा उठा लिया है, लेकिन ये बात जैसे ही सफाई कर्मचारियों को पता चली तो उन्होंने इसका भी विरोध शुरू कर दिया। कूड़ा उठा रहे लोगों को कूड़ा उठाने से मना कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर, मेरा नाम आनंद सिंह गोडियाल है, यहाँ महासचिव हूँ देवभूमि उत्तराखंड। पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से आप देख लिए शहर की व्यवस्था चरमाई गई है। और हम आज हमारे द्वारा कुछ व्यापारी द्वारा गाड़ी चलाई गई थी, जिसको हमने रोका गया। हम भी सर अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है, 7-8 हज़ार में क्या होता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे। आज 7वां दिन है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।